यूट्यूब के इस चैनल में सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं शिक्षा जगत संबंधित किसी भी खबर को पाने के लिए। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी कोशिश होती है कि जो भी लेटेस्ट अपडेट आए सीधे चैनल के माध्यम से आपको पहुँचा दी जाए। तो ऐसे में देखिए संजय सर से लगातार यहाँ पर वार्ता अभ्यर्थी कर रहे हैं, मैसेज के माध्यम से हो या फ़ोन कॉल हो या फिर व्हाट्सअप हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ठीक है। फिर से अभ्यर्थियों ने पूछा है कि सर क्या सातवें चरण से पहले बीटेट की परीक्षा करवाई जाएगी। तो संजय सर ने यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि बीटेट सर होगा पहले, तो हैव नोटेड योर कंसर्न यहाँ पे संजय सर ने कहा है। और मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे देखिए हैव नोटेड योर कंसर्न लिखा है, थैंक्स सर जी प्लीज़, यहाँ पर अभ्यर्थी ने कहा है। तो देख सकते हैं गाइज यहाँ पर फिलहाल तो उम्मीद लगाई जा रही है टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। तो देख सकते हैं यहाँ पे संजय कुमार ने फिर से यहाँ पे लिखा है कि टेक केयर ऑफ योर सेल्फ यहाँ पे कहा है। तो इस तरीके से वो रिप्लाई करते रहते हैं, अभ्यर्थियों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीद भी रहती है उनसे। तो जब अभ्यर्थी ने पूछा कि क्या सातवें चरण से पहले जो है वो आपका बीटेट कराया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि हम इस ओर ध्यान देंगे, हैव नोटेड योर कंसर्न, यानी कि हम आपकी बातों को ध्यान में रखेंगे, उनका ये कहना है। तो उम्मीद और आशा लगाई जा रही है। तो एक और नया तथ्य सामने उभर के आ रहा है, अब देखना है क्या कुछ होता है इस तथ्य को लेके। तो अभ्यर्थी ने क्या क्या बातें करी है, थैंक्स सर जी प्लीज़, पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, एक उम्मीद से किया हूँ, उम्मीद मत टूटना दीजिएगा। तो इस तरीके से अभ्यर्थी देखिए काफ़ी दुख भरा मैसेज करते हैं संजय सर को, और उनको काफ़ी यहाँ पे दया भी आ जाती है। तो इस तरीके से उन्होंने भी रिप्लाई में जवाब दिया, और जवाब देने का मतलब अपने जवाब में उन्होंने भी यहाँ पे कहा कि बिल्कुल आप चिंता ना कीजिए, आपकी बातों को ध्यान में रखा जाएगा, ठीक है। वहीं तो अभ्यर्थी ने भी इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा थैंक्स सर जी प्लीज़ इस तरीके से कहा, हैव नोटेड योर कंसर्न कहा है इन्होंने। तो अब आगे देखिए TTSTT उत्तीर्ण हुई संघ ने भी एक लेटर लिखा है माननीय शिक्षा मंत्री को, देख सकते हैं यहाँ पे माननीय शिक्षा मंत्री। तो इसमें क्या कुछ बातें लिखी है देख सकते हैं, प्रधान सचिव को भी लिखा है, बिहार सरकार को, प्राथमिक शिक्षा निदेशक को भी, सभी को मतलब ये लेटर दिया गया है कि प्रधान शिक्षक बहाली की परीक्षा में TT शिक्षकों को बिना शर्त मौका दिए जाने के संबंध में लेटर, यानी BPSC द्वारा जो आपकी प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया कराई जा रही है, इसमें बिना किसी शर्त के जो है TT शिक्षकों को भी मौका दिया जाए, उससे संबंधित ये ज्ञापन जो है सौंपा गया है, ठीक है, माननीय शिक्षा मंत्री, अपर मुख्य सचिव सभी को, ठीक है। इसमें लिखा है BPSC द्वारा प्रधान शिक्षक बहाली की विज्ञप्ति में प्रशिक्षण उपरांत 8 साल के अनुभव की अर्हता रखी गई है, जिस कारण सभी TT शिक्षक BPSC द्वारा आयोजित प्रधान शिक्षक बहाली प्रक्रिया से बाहर हो जा रहे हैं। ज्ञात हो कि इनमें से कुछ शिक्षकों का अनुभव योगदान तिथि से 8 वर्ष हो चुका है, लेकिन प्रशिक्षण की तिथि से किसी भी TT बेसिक ग्रेड शिक्षक का 8 साल नहीं हुआ है। इन शिक्षकों को प्रशिक्षित कराने की जवाबदेही सरकार की ही थी, सरकार की देरी का खामियाजा अब इन शिक्षकों को भुगतना पड़ रहा है, अतः अनुभव की बाधा को समाप्त किया जाए। तो इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं मार्कंडेय पाठक लिखा गया है शिक्षक संघ की ओर से, ये लेटर भी जो है जारी कराया गया है। तो गाइस वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिएगा, इसी प्रकार से खबर आप तक पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।